लेक्चर के बाद ना ये लेक्चर समझ नहीं आता, ठीक है, क्लास मत मिस कर, एक घंटे की बात होती है, सुन लिया अगर आके, चाहे तू बाद में बहुत सारा ना पढ़ पाए, है ना, प्लीज इरेगुलर मत हो। देख कितनी अच्छी अटेंडेंस है नंदिनी की, एकदम सही से आई है। अब तूने एक लेक्चर मिस किया या फंस जाएगी, है ना, तो यस आज का मैम, आधा लेक्चर समझ आएगा, आधा समझ नहीं आएगा, राइट। तो बेटा क्लास ना मिस करो और मेरे से रिकॉर्डिंग ले लियो, ओके। रुशिन अलग, प्रीति प्रेजेंट मैम, गुड नेहा, इवनिंग मैम, गुड इवनिंग स्नेहा वर्मा, इवनिंग इवनिंग मैम, मुस्कान, प्रिया, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट अनीता कुमारी, मन्ना, मैम, अदिति भाटिया, तान्या, तान्या कुमारी, प्रेजेंट इवनिंग, मैम, ओके, अर्चना, रमिता चांद, दीक्षा, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, हीना भारद्वाज, आंचल बाला, प्रेजेंट मैम, अनुशिवा, प्रेजेंट मैम, वैशाली, तनिष्क, मैम, पायल दीक्षित, मनीषा, सुनेहा, सुनेहा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, शिवांगी, सिल्की, प्रेजेंट मैम, अंजलि, प्रेजेंट मैम, मीनाक्षी देवी, रिया शर्मा, प्रेजेंट मैम, साक्षी, प्रीति, किंजल, यस मैम, अनामिका, गुंजन, यस मैम, पलक धीमान, अंजू मैम, प्रेजेंट मैम, पलक धीमान आई है, नहीं, अंजू है, यस मैम, अवना, प्रेजेंट मैम, दिव्य ज्योति, गुड इवनिंग मैम, दिव्य ज्योति आई है, दिव्या ज्योति आई है, नहीं, शगुन पठानिया, प्रेजेंट मैम, श्वेता कुमारी, प्रेजेंट मैम, दिव्यांशी, अरुण, प्रेजेंट मैम, नवप्रीत कौर, यस मैम, आई क्यों नहीं थी कल मैम, पापा लुधियाना गए थे ना, तो फिर आज ही आए, लुधियाना गए थे, यस मैम, पहले करे मिल ले, ओ अच्छा ठीक है, ओए क्लास और कोई फोन नहीं है घर पे मैम, था पर पापा मतलब, तो क्लास क्यों नहीं लगाई, पापा के साथ लगाती है क्लास मैम, 28 प्रेजेंट है, अच्छा क्लास क्यों नहीं लगाई मैम, पापा ने भेज दी लिंक, कॉल की थी मैंने, पर पापा बिजी थे ना, पापा के फोन में लिंक आता, अच्छा बेटा दूसरे फोन में मेरा नंबर फीड कर ले, अगर ऐसी दिक्कत हो ना मुझे कॉल कर लिया कर, क्योंकि बायो क्लास तो पूरे हफ्ते होती है ना, है ना, तो मेरा नंबर फीड कर ले, कावा का पापा पे डाल दिया, देखो क्लास में लगाई, पापा को ब्लेम कर रही है, अब मैं तेरे पापा से पूछूं कशिश तो बंदरिया, नीतिका, प्रेजेंट मैम, आरुषि, यस मैम, पूर्वा, यस मैम, मुस्कान, यस मैम, कोई नया बच्चा, नो मैम, आजकल नया जमाना आया है, अब बच्चा क्लास नहीं आ रहा तो मम्मी पापा की क्लास लग जाती है, फोन क्यों नहीं दिया था, बच्चों को छोड़ने के नहीं गए मेरी मैक्सिमम क्लास में रीजंस बच्चों का ये होता है, क्लास मैंने कहा पापा नहीं थे या मम्मी नहीं थी मैं कहता पापा से बात करूं बेटा कि कहाँ गए थे आप बताओ, आप चले कैसे गए, मेरी क्लास थी तो मैम 26 प्रेजेंट है, तो 26 टाइम से क्यों नहीं आता फिर, है तुम लेट क्यों आते हो ये बताओ, अब रुक जा वापसी में लगा ली लास्ट में, मेरे को याद दिला दियो, चलो भैया आइए, कहाँ गए बेटा, रिकॉर्डिंग ले लियो ठीक है, अनप्रीत गलत नाम बोल दिया गया मैंने, रिकॉर्डिंग ले लियो याद से मुझसे ठीक है, कुछ बच्चे एग्जिट हो जाते हैं ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते, तो दैट आल्सो अ प्रॉब्लम, चलिए जी स्टार्ट करें फिर आज का,
छोड़ते नहीं है ठीक है। तो इसके बाद आप सारे पी वाई क्यू लगा पाओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और दूसरा हमारा जो टारगेट है दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब वैसे मेगा का मतलब होता है बिग है ना बिग, लेकिन हमने फीमेल वर्ड इससे याद करा है प्लांट्स के केस में ठीक है जी। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। तो अब मेरे को बताओ होमवर्क की है योयो मैम। योयो मैम ये बताओ कि किसका फीमेल पार्ट है ये वाला पिस्टल मैम। अच्छा मैम हिबिस्कस बेटा हिबिस्कस पिस्टल है ये देखो ये देख हिबिस्कस दिख रहा है ये वाला गुड़िया ध्यान से देख एक सेकंड अगर ध्यान से देखोगे मैं इसको जूम करूं योयो मैम अच्छा, इसको शूट करो ये देखो ये देखो इसको करते हैं यहाँ पे देख अरे ये ऊपर क्यों आ रहा है हमारी फोटो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि हिबिस्कस में एनसीईआरटी की पिक्चर देखो वहां पे देख ऐसे ही तीन चार बाहर निकले है ना इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और ये जो येलो येलो है ये किसके पार्ट है अब ये दूसरा वाला जो था हमने हमने क्या किया था हमने कार्पल के बारे में पढ़ा था कार्पल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं है ना। तो देखो पिस्टल और कार्पल में थोड़ा सा फर्क है हम वैसे तो एक तरह यूज करते हैं एनसीईआरटी में इसको है ना लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो पिस्टल मीन्स टू और मोर कार्पल की एक साथ बात हो रही है ठीक है और कार्पल इज ए सिंगल वन कार्पल सिंगल होता है ठीक है जी। तो अपने नॉलेज के लिए इसको लिख लेंगे पर चलो कोई बात नहीं परेशान नहीं होते। अब देखो सेकंड वाला जो है ये फ्यूज सा दिख रहा है आपको योयो मैम। तो जो फ्यूज वाला था उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था हमने सिनकार्पस। जब कार्पल हमारे पास मल्टी हो बहुत सारे कार्पल हो तो वो अलग अलग या तो वो बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं तो साथ में बैठेंगे और अगर अलग अलग बैठेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे आज पापा है गुस्से में ठीक है ना। अब इसने शिकायत लगा दी थी पापा की पापा ने लिंक नहीं भेजा मेरी क्लास में सो गई है ना। अब पापा घर आए उन्होंने सुन लिया कहेंगे वाह मैं काम कर रहा था और इसने मेरी शिकायत लगाई है। तो अब ये सारे भाई बहन इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। तो याद रखना सिनकार्पस जब पापा गुस्से में होते हो तो तुम इकट्ठे होकर बैठ जाते हो तो पापा से याद रख लेना पापा एंग्री होंगे तो सब साथ में बैठेंगे तो सिनकार्पस होगा ठीक है। हमेशा निमोनिक सा बना लो इजी रहता है। तो देखो पेपरवर की बात करते हैं सबको दिख रही है पिक्चर योयो मैम क्या बढ़िया पिक्चर है। देखो ध्यान से देखो ये तो मेल के पार्ट है इसे हटाओ सेंटर में देखो ये गोलू दिख रहा है आपको योयो मैम ऊपर का पार्ट दिखेगा अंदर का तो दिखेगा नहीं तो दिस इज अ पेपरवर है एक्चुअल में पर ये बहुत आराम से आइडेंटिफाई होगा आइडेंटिफाई के लिए नहीं आएगा आपको याद रहे इसलिए कराया है। तो इसमें ऊपर का पार्ट स्टिग्मा और ये इसका सिनकार्पस ओवरी है तो आपने कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्टाइल नहीं दिख रहा है ना तीन पार्ट थे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको स्टाइल नहीं दिख रहा राइट। तो पिक्चर लेबल होने के लिए आ सकती है तो याद रहेगा पेपरवर सारे कार्पल अलग अलग पड़े हैं तो ये सबसे प्यारा सा है जहाँ पे सारे कार्पस अलग अलग पड़े हैं एपोकार्पस। और इसका एग्जांपल है माइशेलिया ठीक है। माइशेलिया कैसे दिखता है ये देखो और पास करते हैं अपने फोटो हम नीचे लाते हैं दिख रही है सबको माइशेलिया सेंटर में देख इसे। और अब एनसीईआरटी की फोटो देख देखिए एक एक तुझे दिख रहा है कार्पल योयो मैम है ना। सो दिस इज माय शेलिया अब नहीं भूलोगे नो मैम नो मैम नो मैम बहुत बढ़िया। चलिए तो आई होप वी आर डन विद दिस होमवर्क पार्ट राइट योयो मैम आगे बढ़े योयो मैम। अब हमने क्या करना है आज हमने करना है मेगा स्पोरोजेनेसिस उसके बाद हम रिवाइज करेंगे और थोड़ा और ऊपर लेवल पे जाएंगे फीमेल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो फीमेल का पार्ट है ना प्लांट में उसमें कैसे एग बना
क्या फीमेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स हमें याद करने हैं, हम आज ही खत्म करें उसको ताकि फिर हम होमवर्क वाले क्वेश्चन लगा सकें. ओके तो ये हमारा टारगेट रहेगा. राइट, क्लियर सबको? ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे आज. चलो तो हमें याद करने थे जिंदगी के तीन सर्कल. क्या थे तीन सर्कल? सबसे बड़ा ओवरी, छोटू सर्कल ओव्यूल और अंदर वाला एग. अब याद करना है कि जब भी आप फ्रूट देखते हो, मैंगो इमेजिन करो. मैंगो तो खाया होगा सबने. ये मैंगो है, मैंगो में वो तीनों सर्कल आपको मिलेंगे. कि जो मैंगो में खाने वाला पार्ट है दैट इज ओवरी, उसके अंदर जो जो ओवरी है वो आपका फ्रूट होगा. तो मैंगो में जो खाने वाला पार्ट है फ्रूट दैट इज ओवरी, उसके अंदर बीज दिखता है. गिट्टक कहते हैं ना उसको, कहते हो ना? तो जो उस गिट्टक कहते हो ना तुम हिंदी में, कुछ और कहते हो? यस मैम. आम के अंदर जो उसकी गुटली है, गुटली सुना होगा? तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल बड़ा होके सीड बनाता है. ठीक है, और अगर सीड को भी काटोगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, तो आपको अंदर मिलेगा आपका अंडा. अंडा हमारा बनाएगा एम्ब्रियो. तो हम कहते हैं ना, गुटली मिट्टी में डालो नया पेड़ निकलेगा. नया पेड़ कैसे निकलेगा? गुटली के अंदर एग होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो न्यू पेड़ बनाता है. राइट, हम सब याद रखेंगे ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल फ्यूचर में बनाएगा सीड. तो ये फ्यूचर में क्या बनाएगा ये लिखा है. नीट में सीधा क्वेश्चन आता है इससे, सीधा सीधा लिखा सबने. भविष्यवाणी कर रहा है ये, है ना? तो हमें याद रह जाएगा. चले आगे. यस मैम. चलो मुझे एक बार यार रिवाइज कराना, माइक्रोपाइलन चलाजन एंड का आपस में क्या रिलेशनशिप था? जहाँ पर क्या नहीं होता. अब जो बच्चा कल नहीं आया होगा ना, उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी देर बैठ जा, मेगास्पोरोजेनेसिस को समझ में आ जाएगा. तूने आज वो समझना है, ठीक है? ये रिविजन है, कल की क्लास लगा के फिर ये भी समझ आ जाएगा. तो भाग मत जाना, क्योंकि फिर तुम दो क्लासेस मिस करोगे, उससे अच्छा तो रुक जाओ. है, अब मुझे एक बार मुझे इसकी लेबलिंग करा दो, फिर मेरे को हो जाएगा. तुमको याद है? क्योंकि मुझे तो याद नहीं है. तो लेबलिंग सबको चैट में करानी पड़ेगी. तो ए में क्या लिखूं, बी में क्या लिखूं, सी में क्या लिखूं, मुझे ना चैट में लिख दो, फिर मेरी लेबलिंग हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे. मुझे हो जाएगा, तुम पढ़ कर आए हो तो मैं आगे का पढ़ाऊं, है ना? एक साथ लिखना, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ऐसे ना अलग अलग आते रहते हैं, पागल हो जाते हो. ओके गुड. देखो जी कैसे याद था मुझे, मुझे याद है ये वाली जो, ये कौन सा वाला ओव्यूल है? एनाटोपस. एना का भाई ना, एना एनावेल, है ना? तो ये मेरा माइक्रोपाइल एंड है ना? तो उसके ऑपोजिट ही मेरा ये वाला एंड वैसे चलाजल हो जाएगा, है ना? ये पूरे रीजन को चलाजल एंड बोल देते हैं हम. ओके, और मेरा बी वाला क्या कहलाया? ये सी वाला है मेरा फ्यूनिकल. और ये पूरे ओव्यूल के बीच में जो रास्ता होता है, जो गैप होता है, दैट इज नोन एज हाइलम. हाइलम, ओके, वेरी गुड. मुझे याद है मेगास्पोरोजेनेसिस करें. सारे बच्चे पहले सुनेंगे, फिर मैं तुमको टाइम दूंगी लिखने का, फिर लिखेंगे. समझ आई? जब मैं बोल रही हूँ तब कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर तब लिखोगे तो ये समझ नहीं आएगा. क्लियर है सबको? दूंगी लिखने का, लेकिन शर्त ये है कि सब पेन रख के पहले सुनेंगे, फिर मैं बोलूंगी लिखो तब लिखेंगे. क्लियर? देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, मेगा स्पोरोजेनेसिस है हमारे एग की फॉर्मेशन. तो मेगा मतलब मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, स्पोरो मतलब मैं उसके एग की बात कर रही हूँ, और जेनेसिस का मतलब है मैं उसको सिंथेसाइज कर रही हूँ कि कैसे वो बना.
सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, है ना? ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा? कुछ नहीं होना इस प्रोसेस में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बहुत मिलता है उससे, आपके पुराने वाले प्रोसेस से। मैं यहाँ पिक्चर बना देती हूँ ताकि तुम ऐसे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो मैं हमेशा ऐसे पिक्चर बनाऊंगी, ठीक है जी? ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये मेरा ओव्यूल है पूरा का पूरा, राइट? हम ऐसे ही बनाते हैं। अब मेरे को याद है कि जो मेरा ओव्यूल है ना, उसके सेंटर में कुछ सेल्स पड़े हैं। अभी तक मैंने कहीं पे मियोसिस वर्ड बोला? नो मैम। जब मैं मियोसिस नहीं बोल रही हूँ और मैं तुमसे पूछ लूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स पड़ा है इसकी प्लॉयडी क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होंगे, ठीक है? जब तक मैंने मियोसिस नहीं बोला। अभी जो सेंटर में ग्रुप ऑफ सेल्स है इनको मैं बुलाती हूँ क्या? माइक्रोस्पोर्स। नहीं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है दीज आर नोन एज न्यू सेलस, ठीक है? दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम न्यू सेलस बुलाते हैं। अब फीमेल में अंडे कितने बनते हैं एक बारी में? One. हाँ, तो मेल में जो सेंटर में सेल होते थे ना, वो तो सारे पॉलन ग्रेन बना देते, लेकिन फीमेल में इन सेल्स में से कोई एक मदर सेल बनेगा और वो बनाएगा आगे एक एग, क्लियर? थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ पर अभी हो जाएगा, तुम्हें बहुत आराम से, तुम्हें आता ही। ये डायग्राम इग्नोर करो साइड वाला। पोलन ग्रेन में ये था ना जर्म सेल, ऐसे दो बन जाते थे यहाँ पे गैमेट। बेटा इस गेट को अगर एग के पास आना है तो क्या वो इंटेग्यूमेंट को क्रॉस कर पाएगा? नो मैम। तो कौन सी जगह है जहां से ये गैमेट घुस पाएगा इसके अंदर? माइक्रोफाइलेंट। तो ये बात प्लांट को भी पता होती है, तो प्लांट कहता है कि मैं वो वाला सेल को मदर सेल में चेंज करना चाहता हूँ जो माइक्रोफाइल के पास है। सो उसने सिलेक्ट कर दिया ऐसा कोई सेल, तो हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं इसमें बढ़ेंगे हम ये, ठीक है? तो ये सेल है जो आगे जाके अब एग सेल बनाएगा। तो अब इस सेल को मैं क्या बुलाऊंगी? मेगा स्पोर मदर सेल। मैं सेल का नाम पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो, सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो मेगा स्पोर मदर सेल वो सेल है जो फ्यूचर में क्या बनाएगा? मेरा एग, और वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिचुएटेड होता है। ये बात क्लियर है सबको? अभी कोई नहीं लिखेगा। एट माइक्रोपाइल एंड, ये वाले एंड पे वन सेल विल मॉडिफाई, एक सेल मॉडिफाई होगा, तो मैंने यहाँ येलो कर दिया उसको, ठीक है? एक सेल विल मॉडिफाई एंड एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, और जब भी मैं मदर सेल बोलूंगी उसकी पोलॉइडी क्या होगी? 2n। और जैसे मैंने मदर बोला इसका मतलब इसके बाद इसमें मियोसिस होने वाली है ना, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब लिखो इसे, जिस बच्चे को डाउट आस्क मी, बहुत आराम से पढ़ेंगे ना ये, तुम्हें ऐसे याद होगा कि कभी भूले गए नहीं, स्कूल के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एनीवन विद द डाउट लेट मी नो। देखो टेक योर टाइम, इट्स ओके, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैंने लेक्चर रखा ही छोटा है इसलिए हर क्लास में एक टॉपिक। थम्स अप कर दो भाई जिसका हो गया। मेरे कान गुड, ओके जी, चलिए आगे चल रही हूँ मैं, ठीक है? ये वाला जो पिक्चर है, मैं ये वाला पिक्चर मिटा रही हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। ये न्यू सेलस है, डन। चलिए जी,
2n ये भी 2n बार बार n 2n इम्पोर्टेंट है लिखनी सेकंड स्टेप पे है सेम पिक्चर हर स्टेप के साथ पिक्चर बना लो भी गलत नहीं होगा ये टाइम यूटिलाइजेशन है वेस्ट नहीं है जहाँ वेस्ट का टाइम होगा मैं खुद ही हटा दूंगी तुम्हें ये रहा मेरा बाकी सेल वहीं पड़े हैं ये मेरा है माइक्रोस्पोर मदर सेल ठीक है मैं यहाँ बना रही हूँ ये रहा मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल इजी है यहाँ पे समझना मुझे माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ होगी मियोसिस वन एंड मियोसिस टू तो देखो अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेता है अब जब मियोसिस 1 होगी तो एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड होता है टू बना देते हैं प्लॉइडी कितनी होती है हर एक सेल की हाँ लेकिन ये तो मियोसिस 1 है मियोसिस 1 पे रुक जाएगा प्रोसेस यहाँ पे अब क्या होगी मियोसिस 2 दोनों सेल में करूँ एक ही में करूँ दोनों में तो हर एक सेल दो में डिवाइड होगा तो टोटल कितने सेल पड़ जाएंगे एट द एंड फोर फोर वन टू थ्री फोर प्लॉइडी कितनी होगी हर एक सेल की एन यो यो मैम तुम ही बता रहे हो ना मैंने तो नहीं बताया यानी कि सही है ना आ गया ना अब तो समझ यो यो मैम हाँ प्रिया बोलो बोलो मैम ये जो एन है ना ये डॉटर सेल्स है ना हाँ बेटा ओके मैम ठीक है अब ये स्पेशल सेल्स है ये चार है चार का ग्रुप है चार का ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं टेट्राहेड्रल और इसे मैं क्या बोलूँ मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर टेट्राहेड्रल बन गया ये यानी कि हर एक सेल इंडिविजुअली क्या कहलाएगा इंडिविजुअली क्या बुलाऊं मैं इसे मेगास्पोर मेगास्पोर इतना क्लियर सबको इतना लिखो आराम से तसल्ली से करेंगे इतना लिखो ठीक है जी ओके अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था तुमको कितने एग बनेंगे मैंने बोला था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मॉडिफाई होगा और एक एग बनाएगा है ना लेकिन चार बना दिए मेगास्पोर तो चार है यानी कि अगर एक ही ने आगे जाके एग बनाना है फ्यूचर एग तो बाकियों को क्या करना पड़ेगा मरना पड़ेगा सो रेस्ट ऑफ द थ्री विल डीजेनरेट पोलन ग्रेन के केस में क्या हुआ था हर एक माइक्रोस्पोर ने एक पोलन ग्रेन बनाया था राइट इन द केस ऑफ पोलन ग्रेन लेकिन फीमेल के केस में उल्टा होता है उसमें सिर्फ एक ही एग बनना है तो तीन डीजेनरेट हो जाएंगे ठीक है ये देख ये मैं बना रही हूँ ध्यान से देखना मेगास्पोर मदर सेल ठीक है ये बात हो रही है यहाँ पे फीमेल की तो फीमेल के केस में ये हुआ था कि टेट्राड में से एक सेल आगे गया था बाकी सारे मर गए थे ठीक है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मैं यहाँ लिख रही हूँ माइक्रो मेगा गलत मत लिखना ध्यान से देखो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार का टेट्राड बनाता था और चारों आगे जाके पोलन ग्रेन बनाते थे ना क्योंकि पोलन ग्रेन ज्यादा बनते नंबर में एज कंपेयर टू दिस पोलन राइट यो यो मैम तो वहां पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार पोलन ग्रेन बनाता था यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल एक ही एग बनाता है इतनी बात क्लियर है ये लिख लो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यही कंफ्यूज करती है तो यही बात लिख लो बात ही खत्म होगी तो कंफ्यूजन वाली बात लिख ली तो बचेगी
चलिए अब देखते हैं स्टेप वन लिख लिया आपने, स्टेप वाइज लिखना ये मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो स्टेप वन हमने लिख लिया कि माइक्रोपाइल एंड पे एक सेल मॉडिफाई होगा माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल में। अब मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, ये स्टेप लिख लिया हमने। अब हम थर्ड स्टेप कि आउट ऑफ फोर सेल्स जिसमें से ईच सेल मेगास्पोर कहलाता है, तो आउट ऑफ फोर सेल इनका ग्रुप क्या कहते हैं, इनका ग्रुप इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। अभी कोई नहीं लिखेगा। तो आउट ऑफ फोर सेल तीन डिजेनरेट हो गए, एक बचा ओनली वन मेगास्पोर फर्दर माइटोसिस करके फ्यूचर एग बनाएगा और बाकी के तीन डिजेनरेट हो जाएंगे। इसमें भी फ्यूचर एग की तरह जगह लिखो, बस इतना लिखो। अभी फर्दर माइटोसिस करेगा एक, बाकी तीनों डिजेनरेट हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे बना लूंगी, टू थ्री फोर, सबकी प्लॉइडी एन 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 एन, इन तीनों को मैं लिख दूंगी डिजेनरेट। खत्म हो गए, उसे के अंदर घुल गए, ठीक है, कहीं और नहीं जाते, वहीं घुल जाते, प्रोटीन ही तो होता है। और ये आगे फ्यूचर में माइटोसिस करेगा। ओके डन। यो मैम, ये माइटोसिस बहुत यूनिक होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे हम। यहाँ लिख लो, ये वाली बात लिखो सारे। चलिए अब देखो यही आपको पिक्चर की फॉर्म में कैसे दिखता है, क्या ढूंढना है पिक्चर में। जब मैंने कहा जब भी फीमेल की पिक्चर देखोगे आप ओव्यूल की, तो आपने किस पार्ट को जाकर ढूंढना है सबसे पहले, कौन सा वर्ड। आपने हमेशा जाके माइक्रोपाइलर एंड ढूंढना है। जब भी कोई भी फोटो आएगी आपको फीमेल पार्ट की फ्लावर की, आपने माइक्रोपाइलर एंड ढूंढना है, क्योंकि आपको वहां से चीजें समझ आने लग जाएगी। ठीक है, इसमें से ये कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल, ये थोड़ा सा दूर सा दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल कहाँ होगा, ये वाला। एनसीईआरटी में ये पिक्चर थोड़ी वियर्ड तरीके से दी है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की पिक्चर ऐसी याद रखना, कॉन्सेप्ट ये रखना। माइक्रोपाइलर एंड पे मेगास्पोर पहले दो सेल में डिवाइड हुआ, एक से दो सेल बना, यहाँ पे मियोसिस वन हुई है, देख लो यहाँ पे मियोसिस वन, फिर दो से चार सेल बन गए, दिस इज मियोसिस टू कम्प्लीट होने के बाद, ऐसे होगा ना। ठीक है जी, अब इसमें से तीन कौन से डीजेनरेट करेंगे, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये तीनों डीजेनरेट करते हैं, which is weird, but यही होता है, ये तीनों डीजेनरेट करते हैं, और आगे जाके माइटोसिस कौन करता है, ये एट चलाजल एंड वाला, ये सेल माइटोसिस करेगा। ओके यो यो मैम, ये पॉइंट ना अपने एनसीईआरटी के पिक्चर में लिख दो, इट विल हेल्प यू। ये नीट का क्वेश्चन है कि किसने आगे चल के माइटोसिस करी, चलाजल एंड की तरफ जो है उसने करी, क्योंकि हमें माइक्रोपाइलर एंड लगता है। तो माइक्रोपाइलर एंड में माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको दिख जाएगा, लेकिन चलाजल एंड वाला सेल आपको आगे माइटोसिस करता दिखेगा। वियर्ड है पर प्लांट में ऐसी होता है, इसकी डिटेल में आपको जाना नहीं है, तो आप इतना याद रखिए बेहतर। कोई बच्चे से डाउट? ओके बेटा, लिख लिया एनसीईआरटी में। यो यो मैम, जिस बच्चे का पास एनसीईआरटी नहीं है वो प्रेजेंटेशन से देख लेना, मैं सेंड करूंगी जब। नाउ अब देखो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये कि मैंने बोला ये बच्चा मेरे पास एक सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका न्यूक्लियस है, सही बात है, ऐसी होता है। सेल को मैं क्या बुलाऊं, मदर सेल नहीं है ये, ये डिवीजन के बाद बना है, मेगास्पोर है ये, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यस मैम, मेगास्पोर मदर सेल नहीं, ध्यान से करना है ना। अब देख, अब इसमें होगी माइटोसिस, मुझे बताना सेल में एक बार माइटोसिस होगी कितने सेल बने, टू टू दो सेल बन गए,
सॉरी 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 सॉरी। अब इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस समझते हो? मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेल की ओवरऑल नहीं होती, ठीक है जी। अब देखो, अगर न्यूक्लियस की डिवीजन है तो क्या होगा? पहला माइटोसिस हुआ, ध्यान से देखना ये पिक्चर, इतना लिख लिया पहले, इतना लिखो जरा, इसके बाद बनाएंगे। न्यूक्लियस डिवाइड करना है सिर्फ, बेटा माइक बंद कर ले, डाउट नहीं है तो। थैंक यू मैम, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, ये बेटा जो मेगास्पोर है ना, मेगास्पोर जो एक बन गया, ये वाला, ये जो बचेगा, ये वाला है ना। अब इसमें मेरे को माइटोसिस करनी है, लेकिन इस पूरे सेल में माइटोसिस नहीं होती, इसका सिर्फ न्यूक्लियस कहता है कि मैं माइटोसिस करूंगा, सेल तो ऐसा कैसा है। तो इसके न्यूक्लियस में अब कैरियोकाइनेसिस होगी, विच मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके ओके मैम, समझ आया? यस मैम। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद एक बार बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से इसे दोबारा से नोट्स देखना और एनसीईआरटी पढ़ना, और फिर क्वेश्चन लगाना, देखना तुम्हें आता है या नहीं। इसे समझने में 3-4 बार एनसीईआरटी लगती है, पढ़नी पड़ती है। अब ध्यान से देखना, एक सेल मेगास्पोर, उसका न्यूक्लियस, इसमें हो रही है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहली कैरियोकाइनेसिस बेसिकली है तो माइटोसिस है ना, डिवाइड डिवीजन हो गई दो न्यूक्लियस की, तो दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए एक सेल के अंदर, तो ये दो न्यूक्लियस बन गई, ये फर्स्ट हुई, नंबर काउंट करना। अगर मैं सेकंड डिवीजन कर दूं न्यूक्लियस में, तो कितने न्यूक्लियस बना दूं नेक्स्ट स्टेप में? दो पुराने वाले, दो नए वाले, सही बात है बेटा। अगर मैं अब इसके अंदर थर्ड टाइम कर दूं न्यूक्लियर डिवीजन, तो मेरे को बताओ एक सेल दो में डिवाइड होता है तो चार सेल टोटल कितने सेल बनेंगे? 8, 8, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 1, 1। हाँ, तो देखो एट एंड मुझे क्या मिला, मुझे एंड पता होना चाहिए क्या मिला। पहले इतना गंदा भी लिखा मैंने, सॉरी। दो चीजें मिली मुझे कि वन सेल उसमें कितने न्यूक्लियर विथ 8 न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस जब ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर वर्ड यूज करते हैं। वन सेल विद 8 न्यूक्लियर स्टेज है, ये दिखा आपको? अभी सेल नया हो गया ना, तो अब इस सेल को हम क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस इधर उधर है, हम इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिखो आप सभी, वन सेल 8 न्यूक्लियर, ये मेरा मेगा स्पोर स्टार्ट हुआ था और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सेल तो एक ही रहा लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए इसने। यहाँ लिख लो न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि जब खुद पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकता है ना। जब इतने सारे न्यूक्लियस हो गए ना, तो न्यूक्लियस कहते हैं यार मुझे ना अरेंज होना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, तो न्यूक्लियस कहते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वन सेल विद 8 न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस कहते हैं कि यार बहुत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके आसपास अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिवाइड होगा। अब सेल कह रहा है आई नीड टू डिवाइड एज वेल, ठीक है। सो नाउ यहाँ लिख रही हूँ, देखो ईच न्यूक्लियस विल डेवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट, और जैसे ही न्यूक्लियस के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, उसको मैं एक सेल बोल सकती हूँ, सही बात है? यो मैम, 2, 3, 4, 5, 6, ये दो न्यूक्लियस अभी कुछ नहीं करते, कहते हम ऐसे ही पड़े हैं। ईच न्यूक्लियस विल डेवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट एक्सेप्ट टू, दो नहीं करते, दो न्यूक्लियस कहते हैं इतना काम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है जी। इतना डन? यो मैम, कितने सेल है ये? अब कितने सेल हुए टोटल सेल?
सेवन टोटल सेल सेवन एक दो तीन चार पाँच छह सात ये येलो वाला पूरा भी तो है ना टोटल सेल इज सेवन सेवन और न्यूक्लियर कितने हैं टोटल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एट है इतना क्लियर है सबको ना चलो इसे लिख लो लिख लो लिख लो चलो लिखो सारे सारे न्यूक्लियस के प्लॉइड ही क्या है एक बार एन बन गया ना उसके बाद सेल एन ही रहते हैं टू एन में नहीं जाएंगे अंटिल अनलेस फर्टिलाइजेशन हो जाए मैम हाँ टोटल सेल कैसे सेवन कैसे है ये देख एक सेल दो सेल तीन सेल चार सेल पांच सेल छह सेल एंड दिस वन इज सेवन सेल ओके ओके मैम चलिए पढ़ लेते हैं अब ये देखो इसने वर्ड क्या दिया ये जो स्पेशल सेल बना है ना नीचे इसको हम बुलाते हैं एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक सैक मतलब बोरी तो ये एम्ब्रियो की बोरी है तो दिस इज एन एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर आपको बहुत सारे सेल दिखेंगे ओके अब इसी लाइन को वो कैसे लिखते हैं दैट एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म विद सिनोसिटिक कंडीशन दो वर्ड है यहाँ पे जो तुमको समझने हैं ठीक है कि एक तो एम्ब्रियो सैक बन गया एम्ब्रियो सैक तो हमने बना लिया एम्ब्रियो सैक कैसे बना है कितने सेल है उसमें सेवन सेल भी देख एक एट न्यूक्लियस राइट और सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है देखो बेटा सिनोसिटिक दो कंडीशंस होती है किसी भी न्यूक्लियस के डिवीजन की कैसे अगर एक सेल है उस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जा रहा है और एक स्टेज आ रही है जब आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड वन सेल मिल रहा है सो व्हेन यू गेट मल्टी न्यूक्लिएटेड वन सेल एंड में और एक ही सेल में बार बार कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से बना है उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन ठीक है ये बात समझ आई अब ये भी हो सकता था कि अलग अलग सेल होते है ना और ये सारे सेल आके अभी लिखना मत ये सारे सेल आके फ्यूज हो जाते तब भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती तो जब एक ही सेल बहुत सारी मेहनत करके मल्टी न्यूक्लिएटेड बनता है तो उसको सिनोसिटिक कहते हैं लेकिन अगर बहुत सारे सेल मिलके एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाते हैं तो उसे सिनसीशियम कहते हैं तो सिन का मतलब है फ्यूजन करना ठीक है तो जो एम्ब्रियो सैक बना है वो सिनोसिटिक से बना है वो मेहनत से बना है वो फ्यूज करके नहीं बना याद रहेगा चलो अभी के लिए इतना लिखो फिर मैं सिनोसिटिक और सिनसीशियम में फर्क बताती हूँ इसे लिखो बस ही खत्म होने वाला है अब कुछ भी नहीं बचा 10 मिनट और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे रिवाइज कर रहे होंगे ओके लिख लिया सबने तुम्हारी क्लास ग्रुप में अंगूठा क्यों नहीं लगाती लिंक क्या या मैसेज भेजते हम उसका क्यों भाई सिर्फ तुम्हारी क्लास में एक बच्ची लगाती है ऐसा क्यों क्या बात एटीट्यूड ईगो सुनेहा एक बेचारी सुनेहा जो बायो की क्लास में आ नहीं पाती है क्योंकि उसके फादर साहब 7 बजे आते हैं ऑफिस से तो बायो की क्लास नहीं लगा पाती वो बच्ची रोज रिकॉर्डिंग से पढ़ती है हैं और वो बच्ची हमेशा अंगूठा लगा के भेजती है कि वो क्लास उसने लिंक देख लिया एवरी डे मैम लिंक का जो मैसेज भेजती हूँ मैं आपको सिर्फ कन्नू है जिसने कल नोट्स पे अंगूठा लगाया था जबकि मैंने बोला भी था उसके बाद तो किसी ने लगाया ही नहीं तो बेटा अगर नहीं लगाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा ना कि कौन सा बच्चा एक्टिव है अब सुनेहा मुझे याद कैसे रहेगी क्योंकि वो बच्ची हर रोज मेरे से रिकॉर्डिंग लेती है इस वजह से मैंने उससे बात भी करी है कि उसकी क्लास ऐसा कुछ किया जाए वो क्या करेगा उसके फादर साहब की जॉब ऐसी है कि वो नहीं दे सकते उस टाइम फोन है ना तो मुझे तुम कैसे याद रहोगे खुद सोचो तुम जब तक प्रेजेंस नहीं बताओगे अपनी मुझे याद कैसे रहेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा तो याद रहेगा एटलीस्ट एक अंगूठा तो लगाओ ना चलो बेटा इधर आ जा उसको अंगूठा लगाने से मुझे कुछ नहीं मिलता मुझे बस पता चलता है कि तेरे बच्चे एक्टिव है फिर मुझे धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे तुम्हारा ही फायदा है उसमें तो अभी कोई मुझसे पूछ ले कि किसी को अलग से स्टडी मटेरियल देखना है जो बहुत अच्छा कर रहा है तो मुझे नाम याद रह जाएंगे ये बच्चा है फिर मैं उसका रिजल्ट देख के बोल सकती हूँ हाँ इसे भेजो इसको एक्स्ट्रा हेल्प दो ये बच्चा स्कोरिंग है ये अच्छा फ्यूचर बना लेगा अपना है ना जो बच्चा नहीं करेगा मेहनत उसके ऊपर हम भी मेहनत भी करेंगे सोचने वाली बात है ना देखो
सिंसिशियम कंडीशन और सिनोसिटिक. देखो एक सेल एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होके एंड में क्या बनाया उसने, मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल. मल्टी न्यूक्लियेटेड, मल्टी मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियेटेड मतलब न्यूक्लियस वाले सेल. और देखो सिंसिशियम में क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट सेल फ्यूज हुए, यहाँ पर भी मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल बना है ना. यो मैम, बोलो के बनने का तरीका अलग है राइट. तो सिंसिशियम और सिनोसिटिक का फर्क आपको पता होना चाहिए. इसको ऐसे बना लो आपको याद रहेगा, ये सेल्स है, दोनों का एंड रिजल्ट सेम होता है. बनाओ बनाओ. ये जो इतनी जल्दी कर रहे हो तुम लोग, साथ साथ बना रहे थे क्या, इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा ये. आज स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन आज बच्चे लेट आए हैं, इस वजह से मुझे दिखे नहीं अटेंडेंस के टाइम, है ना. लेट मत आया करो, फिर बातें नहीं हो पाती, सिर्फ पढ़ाई होती है. चलो आगे चलो. बेटा इसी का थोड़ा सा कंटेंट लिखा है, पढ़ बाद में लेना. ये मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल बनाता है, ये भी मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल बनाता है एट द एंड, फॉर्म एट एंड. कैसे बनाता है वो थ्योरी लिखी है कि सिंसिशियम में क्या होता है, फॉर्म थ्रू द यूनियन और फ्यूजन ऑफ बहुत सारे यूनि न्यूक्लियेटेड सेल्स की, और सिनोसिटिक में एक ही सेल में बहुत बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है. तो बस ये जो बात हमने बोली है ना उसको यहाँ लिख दिया ताकि आप भूलो ना. तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, इसको बाद में लिख लेना. ओके ये मैम, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने, यो मैम, लेकिन हम अपनी कॉपी में पेज छोड़ देंगे राइट. तो देखो यही यही कंडीशन है जो हमने बनाई कि तीन टाइम माइटोसिस होके सेल बन गया यहाँ पर. अब ये जो बन गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ न्यूक्लियस है ना यहाँ पड़े. देखो थ्री टाइम माइटोसिस हुई एक मेगास्पोर में और उसने एक सिनोसिटिक सेल बना लिया, एक सेल विद एट न्यूक्लियस राइट. इसको अपन बुलाने लग जाएंगे एम्ब्रियो सैक. अब जब न्यूक्लियस के आसपास क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, सेल प्लाज्मा. हां कितने सेल में, कितने न्यूक्लियस के आसपास होगा मैम, 6. हां शाबाश. देखो एट एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म विद मल्टीपल न्यूक्लियस फ्लोटिंग इनसाइड यू. तो एक एम्ब्रियो सैक बना जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे फ्लो कर रहे हैं और इसे बनने में तीन माइटोसिस लगी, ये बात हमको याद करनी है. ये स्टेप लिख लो, इससे ज्यादा पढ़ लिया हमने, हम लिख रहे हैं ऑर्डरली. गुड नीता. अब देखो ये देखो यही पिक्चर आपको एनसीईआरटी में दिख रही है, कौन से पेज नंबर पे है मैम, 20 और किसी के स्टार्टिंग के पेज पे भी होगी जिसकी बस नई वाली एनसीईआरटी है. यो मैम 26 पेज. देख लो जिस भी पेज पे है, अब देखो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, ये दो सेल, ये चार सेल और ये एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ न्यूक्लिया दिखा रहा है. सबको दिख रहे हैं. अब देखो All the nuclei will arrange themselves within the single embryo sac. तो एक embryo sac में सब nuclei अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं. कहते हमें पता हमने क्या करना है. Nucleus starts to get surrounded by the membrane. तो अपने आसपास वो cell membrane भी ले रहे हैं. Membrane कौन सी है? Plasma लिख लेते हैं. वो अपने आसपास plasma membrane भी लगा रहे हैं और अपनी अपनी position पे जा रहे हैं. ठीक है. So they will now consider as an individual cell. ठीक है. तो जो हमने stage करी है ना कि सब अपनी अपनी जगह मुड़ने लग गए हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रहे हैं. ठीक है. इतने तक हमने पढ़ लिया है. अब इसके बाद एक ट्विस्ट आएगा. ओके तो रेडी हो, वाला स्टेप लिखो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे लेक्चर का मेन काम खत्म, फिर क्वेश्चन करेंगे. लिखो लिखो. ट्विस्ट देखो क्या है, आपको सेल कैसा दिखेगा, आप एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा, आप ये देखने वाली चीज है. तो ये है मेरा पूरा एम्ब्रियो सैक, इसके आसपास आपको इंटेग्यूमेंट्स दिखेंगे, है ना. ओव्यूल के अंदर ही तो बन रहा है एम्ब्रियो सैक.
तो ये रहा मेरा एम्ब्रियो सैक, थोड़े बहुत न्यूसेलस के सेल्स भी देखेंगे, सब छोड़ो एम्ब्रियो सैक पे फोकस करते हैं। एम्ब्रियो सैक किस सेल की मॉडिफिकेशन है, किस सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए, वो सेल का नाम क्या था? मेगास्पोर। मदर सेल के अंदर मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर बना था ना, तो मेगास्पोर अगर एन थी पुलाइडी तो एम्ब्रियो सैक की पुलाइडी क्या होगी? एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल, क्योंकि ये भी तो सेल से बना है ना, तो इसकी पुलाइडी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगी, ये लीक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सेल्स कैसे अरेंज है, तीन सेल मैं भेज देती हूँ, कैसे याद रखूंगी मैं इसको, माइक्रोपाइल बोल रही। ठीक है, तो चलाजल का होगा ऊपर वाली, ठीक है, तो याद रखना चलाजल में क्या है, माइक्रोपाइल में क्या है। तो चलाजल चलाक था ना, तो इसको हमने ऐसे सेल दिए जिसका काम हमें पता ही नहीं, अभी तक कुछ काम नहीं करते खास। तो यहाँ पे हमने लग दिया एक सेल, ये मैंने दूसरा सेल, ये मैंने तीन सेल, तीन सेल हो गए तीन न्यूक्लियस के साथ। मैं लिख लेती हूँ ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तीन सेल है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ सेल कितने थे एम्ब्रियो सैक में? सेवन सेल थे, एक सेल था, सॉरी सेल कितने थे? वन सेल, एट सेवन, सेवन प्लाज्मा सेवन ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और न्यूक्लियस कितने थे मैम? एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, अब मैंने कितने बना दिए ऑलरेडी इस पिक्चर में? तीन सेल बना दिए, तीन न्यूक्लियस बना दिए, राइट? सही है। अब मैं नीचे आ रही हूँ, अब यहाँ पे मैं दो सेल और बनाऊंगी, एक ये एक ये। ठीक है, तो माइक्रोपैलर तो चलाजल से हमेशा सड़ा ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। नहीं नहीं छोड़ो, नाम नहीं लिखना अभी। तो ये कितने सेल हो गए, एक और दो, दो सेल हो गए, तो ये सेल उसका न्यूक्लियस है, दो सेल दो न्यूक्लियस हो गए। तो मैं और काट देती हूँ, दो सेल दो न्यूक्लियस, कितने बचे अभी? मैम टू और न्यूक्लियस हटा दिया, उसके साथ एक न्यूक्लियस हटा दिया। अब मुझे बताओ कितने न्यूक्लियस और कितने सेल बचे? हाँ, तो देखो ये पूरा का पूरा जो रेड वाला, ये खुद एक सेल है ना, और दो न्यूक्लियस इसके बीच में फ्रीली फ्लोट करते हैं, इसके बीच में फ्रीली फ्लोट करते हैं, वही जो अपने आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये है टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई विद इन वन बिग सेल, और ये न्यूक्लियाई को हम बुलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके यो मैम, हो गए खत्म सारे? ये हमारा बढ़िया से मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया, बनाओ भाई इसे अच्छे से बनाना। ये ओके पिक्चर सेंटर में बनाना कॉपी के आसपास उसकी लेबलिंग हो, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तंग करेगी तुम्हें, कितने सेल कितने न्यूक्लियस, आराम आराम से बनाने ऐसे। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैम, इसकी पिछली वाली स्लाइड निकालो दो मिनट। सबका हो गया ये वाला? यो यो मैम, ये ले, पूछ क्या पूछने मैम? वो इंडिविजुअल सेल्स लिखने को रह गया था। अच्छा अच्छा लिख ले, लिख लिया? यस मैम। चलो ये हो गया सबका? यो यो मैम। अब इन सेल्स के नाम, इन सेल्स के नाम है जो आपको पता होना चाहिए, ये पिक्चर तो हमने बनाई ली है। देखो जो चलाजल की तरफ थे वो एंटीपोडल सेल है, मुझे कैसे याद रहेगा, ए बी सी, तो सी के सबसे पास है ए,
तो चिलाजल के पास एंटीबॉडल सेल्स, जो तीन सेल है दीज आर एंटीबॉडल सेल्स. ये जो नीचे वाले सेल्स हैं दो जो माइक्रोबायलर के पास है ये सड़े रहते हैं चिलाजल से, तो ये सिनर्जिड सेल्स. सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक सेल होगा और ये जो सिनर्जिड सेल्स है उनके नीचे ऐसे फिंगर जैसे से लगे, इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस. इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. इसके नीचे लगा दो, ये सेल नहीं है, ये बस उसकी एक्सटेंशन है सिनर्जिड सेल्स की. ओके योयो मैम, योयो मैम लिखो इसे. An embryo sac will form before fertilization. अब देखो जो embryo sac ये बना, बेटा यहाँ पर कभी कहीं पे male gamete आया अभी तक? No ma'am. ये बन गया ना? बन गया ना? Yes ma'am. ये का question है कि embryo sac fertilization के बाद बनता है? नहीं भाई, before बनता है. इस line को लिख लो. और embryo sac होता क्या है? इसमें 8 nucleus होते हैं. Count कर लेते हैं. सारे count करेंगे साथ में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nucleus है. और 7 सेल स्ट्रक्चर है ये. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पूरा 7. राइट, दिस इज एन एम्ब्रियो सेल. दैट्स इट. आपको ये दो नीट के क्वेश्चन आते हैं. अब हमें मेल गैमेट को यहाँ लाना है और उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, जो हम कल करेंगे. राइट, योयो मैम, योयो मैम, योयो मैम. ये लाइन लिख ली सबने? योयो मैम, योयो मैम, योयो मैम. एनसीईआरटी की फोटो करें. योयो मैम, पेज नंबर बताओ इसका. पेज नंबर है मैम 26. 26 मैम, 26 सबके पास होगा. ऊपर नीचे पेज नंबर कोई बात नहीं, फोटो ढूंढो सारे निकालो. जिसने एनसीईआरटी नहीं ली है प्लीज एनसीईआरटी लो. एनसीईआरटी की जरूरत है आपको. कल नहीं तो परसों लेनी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी ले लो. राइट, इस मंथ के एंड तक ले लेना, नहीं तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ले लेना. तब तक के लिए प्रेजेंटेशन से काम चलो. कोई है जिसको बहुत ही प्रॉब्लम है? नहीं है तो मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? यू यू मैम. देखो अब पहले तुम्हें बोला जब भी डायग्राम देखोगे सबसे पहले किसे ढूंढना है? माइक्रोबायलर. इस पिक्चर में यह है? दूसरे पिक्चर में गए मैम? नीचे. ये एनसीईआरटी ने बहुत बुरा किया है, इसने डायग्राम ऐसे बना के ऐसे टेढ़ा कर दिया है. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ है एंटीपोडल. देख माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट चलाजल. yes, उस पिक्चर में वही लिख. चलाजल एंड के पास ही तो तुझे एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे ना, तो ये बता रहा है स्टार्टिंग में बन रहे हैं. और यहाँ पर देख चलाजल एंड यहाँ कर दिया और एंटीपोडल यहाँ कर दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एंटीपोडल पहले नीचे थे ऊपर चले गए. तुमको माइक्रोपाइलर ढूंढना है उसके रिस्पेक्ट में करना. तो ये ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, यहाँ लिख दो ट्विस्ट कर दी पिक फिगर. अपने आंसर में मेंशन कर दो. ओके वैसे तो इस हरकत के लिए पाप चढ़ना चाहिए इन्हें, है ना? आज भूतिया सपने आने चाहिए इन्हें. जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरे पास तो ट्यूशन नहीं थी, तो ट्यूशन के जो बच्चे थे उनको पता था. तो एक दिन हमारी मैम एनसीईआरटी रीड करती थी स्कूल में ना, स्कूल वाली मैम. मेरे को ना समझ नहीं आता था क्या पढ़ा, मेरे को बायो किसी की समझ नहीं आती थी, मुझे कभी अच्छे टीचर नहीं मिले. तो ना वो उन्होंने उनसे ऐसे बोला, तुम्हें तो पता है ना ये पिक्चर ऐसे ही हो गई. मेरे को समझ ही नहीं आया कि बोला गया क्या. और मेरे को कभी समझ नहीं आया पूरे 12th ग्रेड में कि चला ये नीचे से ऊपर गया कैसे. तो किसी ने बताया नहीं था कि माइक्रो पायलट को ढूंढना है, एक चीज को ढूंढना है. तो तुम ये गलती मत करना, है ना? तुमको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. राइट, चलो. अब देखो यही इसने यहाँ लेबलिंग करी है, कुछ थोड़ी किया. अब मैं जहाँ जहाँ एरो लाऊंगी वहां वहां पे तुम अपनी पिक्चर देखो, फोटो अपनी कॉपी में, उसे कंपेयर करना. ऊपर से चलते हैं, चलाजल एंड पे तीन एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं. ब्रैकेट में लिख दे तीन सेल प्लस तीन न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, लिख ले वहीं पे, अभी गलती नहीं हो सकता. अब नीचे आते हैं हम. ये सेंटर में मुझे दो पोलर न्यूक्लिया दिख रहे हैं. टू न्यूक्लियाई इन वन सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियाई. अब नीचे एग सेल दिख रहे हैं. वन सेल प्लस वन न्यूक्लियस है. अब नीचे सिनर्जिड दिख रहा है. दो सेल प्लस दो न्यूक्लियस.
न्यूक्लियर सॉरी, अब काउंट कर ले यार, ऐसे ही काउंट कर लेंगे तब भी तुझे पता चलेगा कितने सेल है। 2 3 4 5 6 आ गया 7 सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग हो जाएगी तब भी अब गलत नहीं होगा, अब तो हो जाएगा ना। यो मैम आज एनसीईआरटी पढ़ के देखना, अब तुमको समझ आएगा। लिख लिया सबने? लास्ट नोट और भी क्वेश्चन करेंगे कि एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये नीट में ये वाला क्वेश्चन था, मेल गैमेटोफाइट पे कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। ठीक है जी, नोट आई। लगा ले क्वेश्चन। ये डायग्राम तो खत्म हो गया आपका, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ये बताओ चैट में, ध्यान से करना। अच्छा तो पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू फ्रूट, तीन सर्कल जिंदगी के, कौन फ्रूट बनाता था? मैम ओवरी। लेकिन इसमें तो इतना डिटेल में दिया ही नहीं है, आंसर क्या होगा? कार्पल। राइट, तो ये इसने इजी दे दिया। कार्पल। अभी मुझे बताओ, ये तो तुमको आता होगा, वेरी गुड रिया, पहले आंसर दे दिया, लेकिन आंसर ध्यान से दे। पूर्वा गुड, क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू रीड रॉन्ग, रॉन्ग कैसे पढ़ रहे? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओव्यूल, कैसे बनता ओव्यूल? ये स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ये पूरा स्ट्रक्चर, आंसर लिखना बंद करो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज एन ओव्यूल। ओव्यूल के सबसे बाहर लेयर है उसके कपड़े, तो उसके कपड़ों को क्या बुलाते थे हम? आंसर वुड बी बी, माइक्रोपाइलर। कैसे हो गया? ओव्यूल का आउटर मोस्ट लेयर थोड़ी है, माइक्रोपाइलर इज एन एंड जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है। हाउ कैन यू राइट माइक्रोपाइल? राइट, समझ आया? यो मैम, बहुत सिली मिस्टेक थी ये, बताओ। सिली मिस्टेक इन द सेंस आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ माइक्रोपाइल वाला वो साइड दे लिया, ध्यान से करने से। नाइस, अब सारे एकदम एक्टिव है, एक्टिवली किया करो यार, तीन क्वेश्चन करने हैं वो भी सो के करोगे तो क्या फायदा है ना, अच्छे से करो और जाओ। इन एन ओव्यूल द स्टॉक दैट अटैचेस द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, तो ये ओव्यूल को भाई प्लेसेंटा से जो जोड़ता था, ये बहुत फनी सी चीज थी ना, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी थी हमारी, क्या बुलाते थे फनी को? फ्यूनिकल। फनी से हमें फ्यूनिकल याद है, आंसर वुड बी डी। गुड, नहीं आता तुम्हारी, ओके जी। सो कल इसको हम एक सेकंड, हाँ ओके बेटा, चलो कल इसे फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? कल हम फीमेल के पार्ट के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, होमवर्क वाली स्लाइड्स करके आना। यो मैम। और उसके बाद हम लोग फिर पॉलिनेशन की तरफ जाएंगे, पहले क्वेश्चन लगाएंगे, कल आधा घंटा क्वेश्चन आधा घंटा पॉलिनेशन। सो करुणा धीमान, प्रेजेंट मैम। स्वाति, प्रेजेंट मैम। कामिनी, कामिनी आइए।
कामनी फिर लेफ्ट कर दिए शायद. अनामिका कश्यप. अच्छा सॉरी सॉरी. रुशिल. यस मैम. अलक. यस मैम. मुस्कान. यस मैम. अनीता कुमारी. अदिति भाटिया. अर्चना कुमारी. यस मैम. हीना भारद्वाज. वैशाली. मनीषा. वैशाली. ये वैशाली थी. मनीषा. प्रेजेंट मैम. सुनेहा. शिवांगी. प्रेजेंट मैम. मीनाक्षी देवी. यस मैम. प्रिया सॉरी साक्षी. प्रीति. किंजल. अच्छा किंजल है. अनामिका. अलग दीवान. अलग का मैसेज आ गया था. नहीं आएगी. दिव्य ज्योति. दिव्यांशी. कशिश. ओके एनीवन इसके अटेंडेंस रह गयी. मैम अदिति भाटे इज प्रेजेंट. अदिति भाटे कौन से नंबर पे? और अदिति भाटे चुप की बैठी थी. कहाँ पर हमारी अदिति भाटिया? अदिति भाटिया. अदिति भाटिया प्रेजेंट. ओके और कोई? नो मैम. ओके बेटे तो ग्रुप में भेजूंगी. आप लोग प्लीज कृपा करके अंगूठा लगाएं. आपको